नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube के चैनल DDB कैंपस में। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टोमेटा के बारे में। तो जैसा कि पहले मैंने अपनी आपको पिछले वीडियो में बताया था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में, कि मैं आपको अगली वीडियो में स्टोमेटा के बारे में बताऊंगा। तो मैं स्टोमेटा की वीडियो लेकर आ चुका हूँ, आप देखिए। ठीक है, तो देखिए ये हमारा स्टोमेटा कुछ इस तरीके का होता है और ये बीन शेप का होता है। ठीक है, ये देखिए बीन्स हमारे कुछ इस तरीके का होता है, तो ये बीन शेप का होता है। ठीक है, और चलिए पहले हम इसका नेमिंग कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए ये क्या होता है, इसका नाम है एफिड, एक मिनट सॉरी ये पेन चल नहीं रहा, दूसरा पेन ले लो। तो ये हमारा होता है एपिडर्मल सेल। ठीक है, एपी सॉरी यहाँ ईपीई नहीं, यहाँ ईपीआई होता है। ठीक है, ईपीआई DERMAL एपिडर्मल सेल। ठीक है, ये एपिडर्मल सेल होता है। ठीक है, और ये जो बीन शेप्ड आपको दिख रहा है ये होता है गार्ड सेल। ठीक है, GUARD गार्ड सेल। ठीक है, अब देखिए, और ये जो आपको ये अंदर दिख रहा है ग्रीन ग्रीन सा पार्ट, गोल गोल सा, इसे ये होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इसी के अंदर हमारे क्लोरोफिल होते हैं जिनकी वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो पाता है। ठीक है, अब ये देखिए जो आपको ये ब्लैक ब्लैक से दिख रहा है ये सब ये होते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, और ये जो आपको ये दिख रहा है ब्लू ब्लू कलर का छोटा छोटा, ये होता है हमारा वैक्यूल। ठीक है, और ये देखिए ये जो हमारा ये खुला हुआ पार्ट दिख रहा है, ठीक है, इसे बोलते हैं हम स्टोमेटल पोर। ठीक है, तो हमने इसकी नेमिंग कर ली है, अब मैं इसका बताता हूँ। सबसे पहले तो हमारा स्टोमेटा होता क्या है। ठीक है, द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव इज नोन एज स्टोमेटा। मतलब कि जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं हमारे लीफ में जो प्रेजेंट होते हैं, जिनको आप अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, उन्हें स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, जब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो कुछ इतने छोटे छोटे ऐसे दिखेंगे, लेकिन अगर हम हाईली माइक्रोस्कोप से देखेंगे जूम करके तो हमको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वो डेफिनेशन, आप देख कर याद कर लेना। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव इज नोन एज स्टोमेटा। ठीक है, तो मैंने आपको इसका मतलब समझा ही दिया था। जो स्मॉल पोर्स होते हैं देखिए कुछ इस तरीके का, वो जो लीफ पे प्रेजेंट होते हैं इन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। अब देखिए हमारा स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है। जब हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है दिन के वक्त, तो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है हमारे एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब करता है स्टोमेटल पोर के थ्रू। ठीक है, ये जो हमारा हिस्सा ये वाला हिस्सा, इसे हम स्टोमेटल पोर बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक और इसका प्रोसेस होता है, पता है क्या, जब हमारा हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान O2 गैस निकलती है, ऑक्सीजन हमारी निकलती है पेड़ों में से, तो वो गैस यहाँ से रिमूवल होती है। ठीक है, और एक और चीज़ कि जब हमारा ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस होता है, अब भाई ट्रांसपीरेशन क्या होता है, देखो जब हमारा रूट हेयर से वाटर एब्जॉर्ब होता है प्लांट्स में, तो हमारा जितना भी वाटर एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, जितना भी वाटर एब्जॉर्ब होता है उसका 100% का सिर्फ 1 या फिर 2% यूज़ होता है। ठीक है, और बाकी का 98 या फिर 99% होता है वो हमारा वाटर वेपर के फॉर्म में निकल जाता है स्टोमेटा के थ्रू हमारे एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो यही होता है हमारा ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये आ जाते हैं पेपरों में, तो मैं इसके डेफिनेशन लिख लेता हूँ, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं द रिमूवल ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड स्टोमेटा, नहीं यहाँ होगा ट्रांसपीरेशन। ठीक है, ट्रांसपीरेशन। ठीक है, मतलब कि वो प्रोसेस जिसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर प्लांट्स के रिमूव हुए फोटोसिंथेसिस के दौरान वाटर वेपर की फॉर्म में, उसे हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ठीक है, तो जो ट्रांसपीरेशन के समय जो हमारा वाटर रिमूव होता है वो स्टोमेटा के थ्रू ही रिमूव होता है। तो ये था हमारा स्टोमेटा का फंक्शन और ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, कैसा लगा मेरा एक्सप्लेनेशन, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही एजुकेशन की वीडियो आती रहती हैं।